अबू जी, आज हम निकले थे बहावलपुर की सड़कों पर जी, जी, और एक बुजुर्ग बाबा जी जा रहे हैं साइकिल चलाए हुए जी, जी। उन्होंने बहुत बसीदा सा अबू जी साइकिल चलाया हुआ है जी, जी। और हम उनके पीछे पीछे चल रहे हैं जी, जी। तो इनको बड़ा आराम से चल रहे हैं जी जी। तो अबू जी ये देखिए, ये यहाँ से मुड़े हैं जी जी, यहाँ पे गाड़ी का, तो ये डस्टबिन के उसकी तरफ जा रहे हैं, अबू जी डिब्बे की तरफ जा रहे हैं। बापी से बात कर लें है? जी जी अबू जी रुकिए एक मिनट एक मिनट। हाँ अबू जी, ये देखिए उन्होंने पेट पे भी हाथ रखा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, बस क्या करें बेचारा, ये देखो बेटा वो देखो बैठ गया, वो चलो वो उसके पीछे बैठे। हाँ चलो जी बेटा, क्या बीमारी, क्या बीमारी हो गई है? सानिया, सांस नहीं आ रहा। अच्छा चाचा जी, ये आप क्या काम कर रहे हैं, साइकिल पे क्या ले आ रहे थे? मैं गुजारा करे। अच्छा, ये गंद वो कागज चुनते हैं? कागज चुनते हैं, क्या करूँ इनसे, फिर कितना बना लेते हैं? बस गणी 150 सौ सौ पचास सौ पचास क्या करूँ। बच्चे, ओहो चाची, तो बच्चे हैं आपके माशाल्लाह, बच्चे हैं, बच्चे 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 कितने हैं माशाल्लाह? बच्चे जी बच्चे कमाल है। अच्छा बेटे, कमाने वाले कमाल है। अगले दिन आगे मैं पत्र पैसे देता 100 रुपए। अच्छा अगर बस वो कार चोरे उसको थोड़ा, ओए होए होए, मेरे 6 बेटे हैं मेरे, तो कमाने वाले जवान, और मैंने उनको कहा कि मुझे पैसे दे दो, बीमार कहते हैं कि कागज सुनते हो ना, जाके चुनाओ। अच्छा उल्टा हमारे लिए भी चुनाओ? अब सापर चोड़ा तो अपने रोजगार, अच्छा मैं तो घर पूरा करूँ। अच्छा कह रहे कि बच्चे कहते हैं कि मैं अपने घर पूरा करें या हम आपको दें घर, ये रोज है रोज लंगे होते, घर वाली इसी माह रमजान में फोत हो गई है। सही सही, अच्छा कहते घर वाली चली गई तो मैं रुल गया हूँ। दिल भूखा होता मैं, कह रहे कि मैं रोज भूखा होता हूँ। अच्छा अच्छा, अभी भी खाना नहीं खाया आपने? कौन कौन, मैं घर ही में बैठा है। मैं घर किधर है माशाल्लाह आपका? गंडी कोट कल छात्रे छात्र बेट का गंडी कोट। अच्छा बेटी है कोई? बेटी बेटा घूमट पर नहीं गया, दो तीन उनकी शादियाँ कर दी। दो साथ है, 12 मोड़ एक साथ है। अच्छा। कोई में बहन नहीं, कोई कहते वो भी नहीं, मतलब एक सोचो तो अच्छा क्या ऐसी बदबख्त औलाद है अबू जी, कह रहे कि मैंने कहा मैं इतना बीमार हो गया हूँ, मैं मरने वाला हो रहा हूँ, बेटा मुझे दवाई ही ले दो। कहते हमारे पास नहीं है पैसे, खुद कमाओ खुद लो। अगर रूम कह रहे टू रहा है, अच्छा कहता दिल नहीं था आज मेरा, लेकिन क्या करें मजबूरी है। हाँ बिल्कुल, ये देखो साइकिल पे। अच्छा ये क्या है साइकिल में, क्या है बाबा जी ये इसमें क्या है साइकिल में? एक बार है। अच्छा ये दिखाओ, निकालो निकालो, अच्छा हाँ बोतलें, ये अच्छा अच्छा अच्छा। ये देखें बाबा जी हैं, इनको इनके 6 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि मुझे अपने घर में नहीं घुसने देते, मैंने अलग एक जैसे वो ढारा कहते हैं ना, झोपड़ी तो वो बनाई हुई है, वहाँ पर रहता हूँ। तो मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि आप खुदा रा अपने वालदैन का ख्याल क्या करें, खास तौर पे मुझे इस उम्र में, इस उम्र में, इस उम्र में तो उनका जरूर साथ दें। जी जी बिल्कुल, इस उम्र में तो वालदैन को वैसे पालना चाहिए जैसे बचपन में वो आपको पालते। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अब क्या है, बुखार है क्या है? पापा जी रो रहे हैं, कहते हैं बुखार है, बहुत ज्यादा बुखार है। अच्छा अच्छा, आज खाना खाया है? आज खाना भी नहीं खाया है इन्होंने। अच्छा सुबह कोई देने भी नहीं आया था बेटा? भाई में
अच्छा अगले भेज मैं रोटी लो अगे ओ दे वाले मैं सडे वाले ओ अगे मैं दे वाले छह बेटे ना देखे तो वो कहते किसी ने नहीं दी खाना खाना आज उनको रोटी नहीं हमारो मगो चलो मरो चाय दो वो के मर मंगे तो चाय दी थी अच्छा वो भी वहां दे आए जहां बैठे थे तो ही बैठे हां जहां पर बैठे थे तो वो कहते अलग बिठा दिया है कहते हैं कि वो चाय भी बड़ी मुश्किल से मैंने इनको एक दो तीन दफा जब मैं रोया हूं तो फिर उन्होंने जाकर मुझे चाय दी मैं कहूं बा के यार मैं कोई तो मैं बाहर को मैं यार को नौकरी कर दे अच्छा कोई तो आप क्या बाबा जी आप क्या नौकरी कर सकते मैं कोई तो बैठा के जा कोई है चौकीदार मैं को की अब यार हां कोई कह रहे हैं कि दे देखे अब जी मैं मेहनत में पाले हैं इस उम्र में अभी भी कहते हैं मैं कोई नौकरी कर लूं तो ये देखे वो जिनको पाला है उनको देखें चौकीदारी करना चाह रहे हैं चौकीदारी कितना मुश्किल काम है बुजी जवान बंदा नहीं कर सकता चौकी एक बार मैं एक दिन झगड़ा हुआ तो मैंने कहा कि निकल जाओ मेरे घर से तो कहते कि मैं हमारे दादा बुने ली थी कौन सा तुमने नहीं थी तुम निकल जाओ आपको निकाल दिया आपके लिए क्या कर सकते हैं हम चाय पियोने आती है मेरा ठीक अच्छा मेरे हाथ कहते हैं कि बहुत ज्यादा कांपते हैं अच्छा ऐसे करते हैं साइकिल भी कहते हैं कि मेरा अपना नहीं है ये साइकिल तो मेरा अपना होता है अल्लाह से कोई देवा कोई अपना देवा पैसे ना दो मैं साइकिल बेच लो वो बहु है मेरे को अच्छा चाचा जी कह रहे मुझे पैसे ना दे मुझे साइकिल ही दे दे और रोटी लेते हैं रोटी हां चाचा जी धूप का वक्त है कोई जगह भी नहीं है कि कहां पे हाथ रखें अच्छी जगह आप बैठ के खाना खाइएगा हम रास्ते में जा रहे थे आप हमें मिले हैं जी जी ये आपकी बेटी है बेटी की तरफ से बेटी है जी जी हां मेरी बेटी है जी अल्लाह बहुत डर गया ये 5,000 है अल्लाह ताला ने भेजे हैं ठीक है तो साइकिल भी आपको नया लेकर देंगे आपके घर भी आएंगे ठीक है चाची जी घर पड़ा व्यूअर्स मैं आपको बताती हूँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का तरीका टूर एंड टेस्ट लिखा हुआ है इसके बिल्कुल सामने सब्सक्राइब लिखा हुआ है इसे क्लिक करेंगे ब्लैक हो चुका है मतलब ये सब्सक्राइब हो चुका है साथ आया है ये घंटी का आइकन बेल का आइकन इसे भी क्लिक करना है और ऊपर वाले घंटी के ऑल लिखा हुआ है उस बटन पर प्रेस करना है इस तरीके से ये सब्सक्राइब हो चुका है और नोटिफिकेशन भी ऑन हो चुकी है जैसे ही हमारी नई वीडियो आया करेगी आपको बर वक्त मिल जाया करेगी और आपको हमारी हर वीडियो